हर हर महादेव। जय राम जी। सभी को हो गए भाई रेडी? नाश्ता कर लिया? और अभी तो एक बार पहले तो स्टार्टिंग में लैब पे जाऊंगा, फिर वहां से एल्बमों का पार्सल लगवाना है, तो वो हिसार लेके जाऊंगा। हंसी से चल पड़े हैं हिसार एल्बम देने के लिए। हंसी से निकल लिए अभी, वही हंसी से हिसार की तरफ चल पड़े हैं। हिसार लेट हो गया मैं, 11:30-12 बजे तक पहुंचना था वहां पे। तब तक जिम में चले जाते हैं, जिम करके आया था लैब पे। लैब पे आते ही अब गाड़ी लेके हिसार की तरफ निकल लिया। ये भाई आउटलेट बना हुआ है NH10 फैक्ट्री आउटलेट, इसकी वजह से हंसी सार रोड पे भी 4 चांद लग गए। एक फिर ये इधर हल्दीराम का आ गया, बर्गर किंग आ गया, और पीछे वाले पे KFC बीकानेर वाले थे, और इधर बर्गर किंग। और ये हवेली रेस्टोरेंट, टोल पे पहुंच चुके हैं। ये शिव गार्डन ढाबा भाई, बहुत ही बढ़िया सर्विस है इसकी, खाना ही बढ़िया है। और अपना मित्र है, भाई ही है, कुहाड़ साहब का डब्बा है ये भी। मैयड़ में है, टोल से निकलते ही हिसार की तरफ आते ही लेफ्ट हैंड को शिव गार्डन ढाबा। हिसार में एंट्री हो गई भाई अपनी। किसान चौक हिसार, आगे भाई कोर्ट चौक। रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल हो गया है, ये फिर रेड सिग्नल हो गया भाई यहाँ पे, महारानी लक्ष्मीबाई चौक। भाई महाराजा अग्रसेन चौक के सामान ले लिया भाई, और कुछ बस स्टैंड पे बस में लगवानी थी एल्बम में, वो लगवा दी। अब जा रहे हैं एक बार तो आजाद नगर की तरफ ये फ्रेम देने, और फिर हंसी। लो भाई आजाद नगर से निकल लिए हैं, अब जा रहे हैं हंसी, फ्रेम दे दिए बारी का यहाँ से। हम निकल रहे हैं भाई तुसाम बाईपास से हिसार से हांसी की तरफ। यहाँ पे भी पुल बन गया, ये अच्छा हुआ, नहीं तो ट्रेन आती थी फाटक बंद। नौ 11 वाले रास्ते से चल रहे हैं भाई।
जल पुल से उतरे थे और सिम एंट्री हो चुकी है भाई। जी अब पूछे लैब पे आके अभी दोस्त की कॉल आई थी, एक बार दोस्त के पास में जाना है। अभी फिलहाल खाना खा लेते हैं, खाना खा के फिर दोस्त के पास में जाएंगे, दिखाते हैं आपको। लैब से फिर इधर दोस्त की कॉल आ गई थी तब इसके पास में आ गया था, कल बाहर जाना है तो देखते हैं। ये देखो ये गिरा हुआ यहाँ पे। हाय राम राम जी सारे ना। राम राम जी। इसके पास में आके चाय पी, अभी अभी फिर थोड़ा सा काम करेंगे फिर लैब पे जाता हूँ मैं, फिर देखते हैं। इसके बाद लैब पे गया, लैब से फिर घर आया, रात को खाना खा के सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठ के बाहर जाना है कहीं।